स्वागत है एमकेयर इंस्टीट्यूट भोपाल में। मैं ऋषि मिश्रा और मेरे साथ है मेरी कलीग प्रियंका मैडम। तो हम दोनों मिलकर आपकी केमिस्ट्री की जो है आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ आंसर की बताने वाले हैं। डिस्कशन विद सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखा है मैम? अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। रीजन इज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आंसर इज थर्ड। इसमें क्या है? रीजन तो क्वेश्चन नंबर 52 इसमें हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? थर्ड है ना, प्रोडक्ट थर्ड बन जाएगा, ये करके अपन देख लेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई? इसमें कह रहा है कि ये कंपाउंड एलाइलिक कंपाउंड हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन फटाफट दिखाया जाए भाई स्क्रीन पे। 54 क्वेश्चन क्या है? 54 क्वेश्चन दिया गया है हमको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स विल इंक्लूड। कौन कौन से हो जाएंगे? डाइपोल डाइपोल है ना, डाइपोल टू डाइपोल। ठीक है, आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हिंदी फटाफट पढ़ देते हैं ना, कि जो द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट, ये ध्यान से पढ़ना है अपने को, है ना। सवाल में प्राइमरी एमाइल कौन सा नहीं बनाएगा, ये पूछा है सवाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट क्वेश्चन नंबर 56। कंप्यूटर साहब जल्दी जल्दी सरकाते रहें, थोड़ा सा नीचे करें। तो गिवन मिलो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कसेसन है एक रीजन है। तो क्या दे रखा है इस रीजन में? आपको एक रेट दिया गया है कि पावर ए टू है, इसमें आपको क्या बताना है? बी कांस्टेंट है, तो इनिशियल रेट क्या होगी अगर हम इसको ट्रिपल कर दें? तो इनिशियल रेट होगी इंक्रीज बाय फैक्टर 9। क्वेश्चन नंबर 58 टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड। चलो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़े कंप्यूटर साहब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए मैडम, क्या लिखा है? Among the given options, which of the following molecule ion acts as a Lewis acid? कौन सा करेगा? BF3। चलो 60 क्वेश्चन क्या दिया? Number of sigma bonds, 5 bonds and lone pair of electrons in the pyrimidine, pyridine and respectively are। कौन कितने हो जाएंगे? 11, 3, 1। फटाफट आगे बढ़े कंप्यूटर साहब 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 कह रहा है भाई नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के बारे में बताओ कि उसके एनर्जी लेवल क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, बिना सोचे समझे, है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे बढ़े कंप्यूटर साहब क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा है साहब? फटाफट करते हैं ना, आइडेंटिफाई करना अपने प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। आगे बढ़ो फटाफट कंप्यूटर साहब, आगे लो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। हम सिर्फ अभी सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे, रीजन मैं बताऊंगा कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अगला। 63 में क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है, इक्वेशन ये दिया हुआ है, नर सेल की इक्वेशन ऐसा होता है जो डेल्टा जी है वो एन पे डिपेंड करता है, तो अपने को बताना है कि सही है कि नहीं है। रीजन क्या दिया है? ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा आर जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो क्या ये सही है? फोर। क्या होगा मतलब? टू। फटाफट आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 दिखाएंगे। 64 है ना, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म द फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है मैडम, बता दो? पोटेशियम ट्राइऑक्सीजेट। नहीं, फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 65 दिया है एज अ सीजन, फटाफट पढ़ेंगे मैडम। हीलियम इज यूज्ड टू डायलट ऑक्सीजन इन डाइजिंग ऑपरेटर, सीजन इज हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी O2। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन लेकिन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 तरफ। 67 क्वेश्चन नंबर 66 फटाफट कंप्यूटर का फटाफट करते हैं। ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए में क्या बनेगा? आगे बढ़ो फटाफट ऊपर करो, आंसर इज 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 67 आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट बनना चाहिए ये, आपके हिसाब से आप देखना है ना कि आपने बना क्या है उस पेपर में। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर साहब। क्वेश्चन नंबर 68, तो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं ना। क्या देखा क्वेश्चन नंबर, जैसा दीजा ना फिर से स्टेटमेंट है तो दे रखे अपने को यूनिट फॉलोड बाय एडजस्टमेंट ऑफ बेस वन पोजीशन ऑफ सुगर इन्होंने न्यूक्लियोसाइड। तो बताना है आपको कि ये सही है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट 5 प्राइम पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। तो ये सही बात है ना, दोनों जो स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, ट्रू हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या दिया हुआ है 69, फटाफट मैडम पढ़ो। मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल यूक्लिड देगा आपके पॉलीमराइजेशन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1 है ना, ये दे देगा अपने को पॉलीमराइजेशन है ना। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है सर, 70 कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द एनएम एनएम इज द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो क्या हो जाएगा सर इसका 4 का आंसर नंबर 4 है ना। सब कुछ चेक करते चलना है किसने क्या लगाया है ना। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 71 क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ CO2+ इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन क्यों होता है सर ऐसा, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं, सम ट्रांकुलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो व्हिच वन ऑफ द फॉर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करेंगे हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 72 सम ट्रांकुलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो बिलोंग टू पार्टिकल पिरोनल इज अ पार्टिकल है ना। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन इज कौन सा हो जाएगा मैम, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है रीजन हम कल डिस्कस करेंगे, कोई रीजन नहीं पूछेगा है ना, कोई कमेंट नहीं करेगा सर रीजन बताओ, रीजन अपन कल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 74 अगला सवाल करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये देखना है अपने को। तो हाइड्रोजन डी एंड ई इज नॉट करेक्ट है ना, ये पढ़ लेना है अपने को बैठ के कौन कौन से डी और ई है। ठीक है, डी और ई करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं क्या लिखा है भाई, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट ए एंड बी, तो उसमें से जो बी है वो क्यूबिक फॉर्म में, उसने पैकेज स्ट्रक्चर किया और ए जो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 को, तो इसका कंपाउंड क्या होगा और दोनों का सम क्या होगा x + b, तो इसका आंसर है 4 5 3 और 2 आएगा करते रहना बैठ के आराम से।
अगला सवाल करते हैं मैडम, क्या दिया हुआ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83। राइट ऑप्शन पूछा है मास CO2 का, भाई मास CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ये सवाल सीबीएसई एनसीईआरटी का, इसका आंसर हो जाएगा 1.76 ग्राम। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन निकाल के कर देना है ना। 84 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपके जो है इन्होंने केमिस्ट्री का बहुत प्यारा चैप्टर है, इसका ही सवाल है। ये सवाल बहुत लोगों ने छोड़ा होगा, ये सवाल टफ कैटेगरी में आता है, जिसने छोड़ा है कोई बात नहीं, कोई प्रैक्टिकल लड़के पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अभी थर्ड हो जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे कल कैसे हो जाएगा, तो कोई लोड लेने की बात नहीं है, जो ये गलत करके आए। आगे बढ़ते हैं, है ना। 85 कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस की कितनी हो जाएगी, 0.0210 दे रखी अपने को, एंड द रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 60 ओम दे रखा है। वैल्यू ऑफ सेल्फ कांस्टेंट पूछा था, दोनों का इनटू कर देना आ जाएगा, सीधा सीधा फार्मूला होता है, कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 86 कंप्यूटर जनरेटेड 86 निकालिए फटाफट कीजिए भाई, 86 क्वेश्चन बच्चों को दिखाइए, आंसर भी पाने की बहुत जल्दी। Which among the following will be the most readily dehydrated? तो कौन जल्दी से पानी निकाल लेगा भाई, तो ये अपने को देख लेना है कौन सा निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, क्यों हो जाएगा ये हम कल डिस्कस करेंगे, तो कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। 87 पढ़ते हैं फटाफट, क्या लिखा है सर, 87 में मैच करना है, तो इसको मैच कर लेना भाई, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घर पे बैठ के मैच करते रहना। चलो सर आगे बढ़ो, 88 करते हैं अपन, 88 करते हैं। 88 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट डी पूछा है इसमें, तो भाई ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट करना है अपने को, कल अपना घर पे बैठे करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं सर, जरा ऊपर करो, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 ठीक है, तो ये क्यों होता है मोस्ट स्टेबल, इवन बाद में डिस्कस करेंगे, आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं अपन, Which among the following options is correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? तो भाई ये जो सबसे सरल सवाल है, इससे सरल सवाल नहीं हो सकता, कोई भी फॉर्मूला जब अपन पढ़ने जाते हैं तो ये पहली चीज देखते हैं, ये चीज जो भी किताब में क्या होती है लिखी होती है, तो इसको है ना अपने को क्या करना है, सवाल ये छोड़ के नहीं आना था, है ना, जो भी छोड़ के आया वो देख लें। नंबर 91 पढ़ते हैं, क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 91 कंप्यूटर जरा ऊपर करें स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 91 है भाई, फटाफट फटाफट नीचे लाओ, नीचे लाओ, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 91, बस बस थोड़ा ऊपर करो, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को जो है मैडम बताएं कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है फर्स्ट, 91 का फर्स्ट है ना, तो 91 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज को यूट्रोफिकेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं वहाँ क्या होता है यूट्रोफिकेशन, क्वेश्चन है ना यूट्रोफिकेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना, आंसर इज थर्ड, पहला इनकरेक्ट है, लेकिन है ना, ठीक है, तो ये 92 का होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं सवाल सर, आगे बढ़ाया जाए, क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा मैम, 93 क्वेश्चन दिखाइए जरा, ओके, तो इसमें पूछा है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हकल्स रूल के बारे में पूछा गया है आपसे, तो हकल्स रूल जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा भाई, पहला है ना, ठीक है, आंसर इज 4, क्यों आया 4 ये हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर आगे बढ़ाया जाए भाई, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं, 94 का आंसर प्रोडक्ट बताना है, तो मेजर प्रोडक्ट है सेकंड, है ना, ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट इज एसिड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 फटाफट करते हैं सर, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 95, 95 फ्रैक्शन दिया है ऑफ 1H सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइन 1 यूनिट ऑफ FCC, द आंसर इज 95 इज सेकंड, 1/4 हो जाएगा, है ना, एक एज ही पूछा है सिर्फ, एज। चलो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या दे रहा है, ऑन ब्लीचिंग गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को रेडॉक्स करने पे जो कोफिशिएंट ABC की वैल्यू पूछ रहा है अपन से, तो ये क्या हो जाएगी 1, 3 और 8, है ना, डायरेक्ट पुट करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, 97 क्या दे रखा है क्वेश्चन भाई, 97 फटाफट कंप्यूटर जी दिखाओ, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस, ये ब्लास्ट फर्नेस में एक डायग्राम है NCERT में, उसमें डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर इज सेकंड, नॉट सेकंड, आंसर इज 4, Fe2CO, आंसर इज 4, है ना, ये हो जाएगा आंसर इसका 4। 98 क्वेश्चन दिखाया जाए जरा कंप्यूटर जी, 98 क्या दे रखा है, 98 क्या दे रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है अपने को, तो कौन से हो जाएंगे इनकरेक्ट, थोड़ा ऊपर करिए, है ना, आंसर इट सेकंड, CND इज इनकरेक्ट, CND जो है वो कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं, तो अपने को पढ़ लेना है CO2 कौन कौन से हैं, क्यों इनकरेक्ट हैं, ये देखेंगे अगली वीडियो में। 99 पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन, क्या हो जाएगा, 2, 3
10 एंड 6 मोल पर लीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये लॉग की वैल्यू 10 आएगा, कंसंट्रेशन लॉग 10 इक्वल्स टू 1 होता है, इनटू करने के बाद आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और जिसको भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, अपन देख लेंगे बाद में, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू है। लास्ट क्वेश्चन इज प्यूमिस स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो प्यूमिस स्टोन क्या होता है, जो वो राम सेतु पे जो स्टोन है ना, तो वो क्या होता है, फोम होता है। तो आखिरी सवाल क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फोम। चलो इसके साथ हम केमिस्ट्री का डिस्कशन खत्म करते हैं, जो डिटेल डिस्कशन है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप सिर्फ और सिर्फ आंसर मैच कीजिए।